तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने तमाम फॉर्मूले इससे पिछले वाली वीडियो में समझा रखे हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखना, फिर आप इस लेक्चर को देखना, ठीक है। वरना आप चार पांच फॉर्मूले, ज्यादा नहीं है, जस्ट कर लेना, आई मीन सिक्स फॉर्मूले, मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, आप लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा, राइट, जिसमें आप x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर, इस तरीके से आपने लिखा था। और इवन आप लोगों ने जब लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें आप x माइनस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो लिखते थे, जो इस तरीके का फंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। मतलब जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, x माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x एक अनदर वेरिएबल है, y एक सम अदर वेरिएबल है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो, लाइक साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट क्या होता है, अगर इम्प्लिसिट है तो एक्सप्लिसिट भी होगा, एक्सप्लिसिट में क्या होता है, यहाँ पे अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो एक्सप्लिसिट भी फंक्शन होगा। और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अगर हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख दे, यानी डिपेंडेंट बना दे, जैसे y इज इक्वल टू साइन x, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। x इज इक्वल टू cos y, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ऐसे यहाँ पे आप कुछ भी, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन ऑफ सॉरी नॉट लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये भी क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें इस लेक्चर में, इस वीडियो में, इस तरीके के फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, पूरे क्वेश्चन में यही करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, लेट्स डू इट। सो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इसमें हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब यहाँ पे तीन टर्म है, तो आप तीनों टर्म को क्या कर दोगे, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करोगे। तो क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, d ऑफ dx 2x प्लस d ऑफ dx 3y इज इक्वल टू d ऑफ dx sin x, ओके, सम रूल लगा देंगे इसमें हम, राइट। अब यहाँ पे टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, प्लस में 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा, sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x हो जाता है, ओके। आपको क्या निकालना है, dy by dx निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो dy by dx के लिए। सो dy upon dx क्या आ जाएगा, cos x minus 2 और डिवाइडेड बाई 3, तो इसका डेरिवेटिव हो गया cos x minus 2 by 3, ओके। इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 5.3 का, 2x plus 3y is equal to sin y, ये भी एक क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। नाउ इसमें भी हमें dy by dx निकालना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे हम x के रिस्पेक्ट में, हर एक टर्म का यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा, सो x के रिस्पेक्ट में, सो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3y है, 3 बाहर आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज dy अपॉन dx,
ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस वाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, dy बाई dx होना चाहिए, क्योंकि y वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, x नहीं है ये, ठीक है। तो यहां पे चेन रूल लगाओगे सो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब यहाँ पे लाइक टर्म एक तरफ कर लेंगे, ओके, देन dy बाई dx के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये टर्म वहां जाके माइनस हो जाएगा और dy बाई dx कॉमन निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। तो यहां पर जो dy अपॉन dx है क्या आ जाएगा, 2 बाई cos y माइनस 3 हो जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सच इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर, तीसरा क्या है इसमें, ax प्लस by स्क्वायर, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y है, ये हमारे पास अनादर इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका भी हमें dy by dx निकालने इस फंक्शन का भी, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x के, तो क्या आ जाएगा, d ऑफ dx ax प्लस d ऑफ dx by स्क्वायर इज इक्वल टू d ऑफ dx cos y हो जाएगा, ठीक है। यहां पे a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2by स्क्वायर का पहले स्क्वायर का करेंगे तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव करोगे चेन रूल लगा के, सो dy by dx हो जाएगा, ठीक है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y होता है, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy upon dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, dy by dx एक तरफ कर लेंगे, यानी लाइक टर्म एक तरफ कर लेंगे और dy by dx के लिए सॉल्व कर लेंगे, सो ये दोनों, ये वाला जो टर्म है राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, और dy by dx जब आप कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा माइनस साइन y और माइनस 2by बचेगा, सो dy by dx क्या आ जाएगा यहां पे, dy upon dx हो जाएगा a upon माइनस साइन y माइनस 2by। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ए साइन वाई प्लस 2by, सो ये हमारे पास dy by dx निकल आएगा इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, अनदर क्वेश्चन ये है हमारे पास, xy plus y square is equal to 10x plus 5, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और dy by dx निकालना है। अनदर ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो क्या करोगा, हर एक को डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में कर दोगे, तो ये आ जाएगा। नाउ इसमें हम लगा लेंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, y as it is, उसके बाद x as it is, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा। अब यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y into dy upon dx, ठीक है, इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec square x हो जाएगा और प्लस dy by dx आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म एक तरफ कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे y माइनस sec square x हो जाएगा, एक तरह से ये दोनों लाइक टर्म होगा, क्योंकि नॉन dy by dx वाले टर्म्स हैं, ठीक है, और dy by dx वाले टर्म एक तरफ कर लो तो यहाँ पे हम dy by dx कॉमन निकाल लेंगे, इसमें तो 1 बचेगा, ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस 2y हो जाएगा, तो देखा जाए तो dy by dx क्या आ जाएगा, यहाँ पे dy by dx आ जाएगा y माइनस sec square x upon 1 minus x minus 2y, ये हो गया हमारे पास implicit function का derivative, ठीक है। इसी तरीके से next question है, fifth question, that is x square plus xy plus y square is equal to 100, इसका differentiation कैसे होगा,
अगेन वही आप हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, इसमें क्या करोगे आप प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, क्या करोगे आप प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, पर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सेम ऐसी ही है, ठीक है। y का y एज इट इज यहां पर ओके, प्लस फिर x एज इट इज एंड y का हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy / dx आ जाएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y * dy / dx और 100 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो अगेन हम यहां पे लाइक का एक तरफ कर लेंगे 2x + y, ठीक है, और इक्वल टू dy / माइनस में dy / dx कॉमन आ जाएगा यहां पर, तो यहां x + 2y आ जाएगा, ठीक है। सो dy / dx हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + y, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x + 2y हो जाएगा और नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, ओके। इस तरीके से हम इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, इसको हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये भी एक इंप्लिसिट फंक्शन है और अगेन आपको पता है हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, इसमें आप यूज करोगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, y as it is, x square as it is, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy / dx हो जाएगा, x का इसमें भी सेम प्रोडक्ट टू यूज करोगे, जब आप इसमें प्रोडक्ट टू यूज करोगे तो x का डेरिवेटिव 1, y square as it is, x as it is, y square का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और चेन रूल लगाओगे तो y का डेरिवेटिव dy / dx आ जाएगा, और y क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव 3y स्क्वायर * dy / dx, 81 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि 81 क्या है यहां पे कांस्टेंट है, ओके। चलिए थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर, यानी जो नॉन dy / dx वाली टर्म है उसको हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब ये टर्म्स जो है सारी लाइक टर्म्स है, तो इनमें से हम dy / dx कॉमन निकाल के इसको राइट साइड ले जाएंगे जीरो की तरफ, तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2xy और यहाँ क्या बचेगा 3y स्क्वायर, तो dy / dx क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर और अपॉन में x स्क्वायर + 2xy + 3y स्क्वायर, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सच implicit function, तो इसका derivative भी आ जाएगा, okay? Another जो question है यहाँ पे 7.5.3 exercise का, that is sin square y plus में cos of xy is equal to k, तो अब इसमें क्या है जो xy है cos का angle है, ठीक है ना, तो ये भी एक तरह से implicit function है, जब आप इसको differentiate करोगे यानी differentiate with respect to x तो क्या आ जाएगा d of dx साइन स्क्वायर वाई प्लस डी ऑफ डी एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव पहले हम स्क्वायर के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन वाई आ जाएगा, राइट, फिर साइन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस वाई, चेन रूल लगाओगे ना, यहाँ पे क्या यूज करोगे चेन रूल लगाओगे आप, फिर y का भी डेरिवेटिव करोगे और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy / dx हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम cos का करेंगे, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन xy, बट चेन रूल लगाओगे तो xy का भी डेरिवेटिव करोगे और xy यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, तो पहले x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो गया और y एज इट इज, ठीक है, प्लस x एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy / dx और k यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ओके। चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लाइक टर्म को थोड़ा एक तरफ कर लेते हैं, तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 sin y cos y into dy / dx, ओके, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस y sin xy
प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके अब क्या करेंगे हम, यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, टू साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई, और इस टर्म को हम राइट साइड में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई साइन एक्स वाई आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया यहाँ पे, ये पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास इस इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है दैट इज वाई साइन एक्स वाई और अपॉन में टू साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई आएगा। ओके चलिए ठीक है, इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर एट यहां पर, अब एट में क्या है इधर कि हमारे को फंक्शन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है फंक्शन हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो चलिए कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर का करोगे तो टू साइन एक्स आ जाएगा, फिर चेन रूल लगाओगे साइन का करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, फिर आप दोबारा से स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा टू कॉस वाई, फिर कॉस का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई, फिर वाई का करोगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, राइट वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, यानी हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, इफ यू सी ये तो हमारे पास हो जाएगा साइन टू एक्स, ठीक है और ये हो जाएगा साइन टू वाई, ठीक है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा होता है, तो ये तो हो जाएगा साइन टू वाई और ये साइन टू एक्स, इस टर्म को राइट साइड में अगर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे साइन टू वाई आएगा वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ओके तो इसका जो डेरिवेटिव है ये हो गया, ठीक है ऐसे ही यहां पे नाइन्थ क्वेश्चन है। अच्छा तो ये थे अभी तक के सारे इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव, ठीक है आपके एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन थे ये 12th क्लास एक्सरसाइज 5.3। सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसके बाद क्वेश्चंस हैं वो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे फॉर्मूले इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं लिखवा रखे हैं, ठीक है आप वहां जाकर उस वीडियो को देख के सारे फॉर्मूले कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे इसी को लेके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन। सो नाउ नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले
आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपको 11th क्लास के फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई भी सवाल हो और आपको सॉल्व करना है, अगर समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, आप इन्हीं को यूज कर लेना। ये लगभग 99% क्वेश्चन में ट्रिक बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ जाती है। बस थोड़ा सा आपको क्रैम तो करना पड़ेगा, मेमोराइज करना ही पड़ेगा। जैसे वो अगर आपको कहीं भी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके की सिचुएशन दिखती है, ऐसी कंडीशन दिखती है, जैसे पहली कंडीशन है अंडर रूट 1 - x2, अगर ऐसा कुछ भी कहीं भी आपको दिख रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप चुपचाप x को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट कर देना। क्या करोगे, x को साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर देना, अगर ऐसी कहीं पे भी आपको सिचुएशन दिख रही है। या अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है तो आप बेफिकर होके x की जगह tan थीटा या cot थीटा पुट कर देना, ठीक है, बिना सोचे समझे। और फिर उसके बाद एक कंडीशन और आती है और वो है x2 - 1 की। दो, ये अंडर रूट भी हो सकता है और अंडर रूट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन कहीं भी दिखती है, इस तरह की कंडीशन अगर दिख रही है किसी भी क्वेश्चन में, ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, तो फॉर गॉड सेक आप बस एक ही काम करना, sec थीटा या इसमें cosec थीटा पुट कर देना, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बियॉन्ड दिस कुछ ट्रिक्स और बता रहा हूं मैं, ये डायरेक्टली याद कर लेना। ये अक्सर हर जगह लगभग अब भी जब भी डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करोगे, ट्रिग्नोमेट्री से डील करोगे, तो हर दूसरे क्वेश्चन में, यानी 5 में से minimum 3 या 4 क्वेश्चन में तो ये एप्लीकेबल हो ही जाता है। तो ये क्या होता है, 2 cos² θ/2 होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 - cos θ है तो ये 2 sin² θ/2 हो जाएगा, ओके। ऐसी अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो आप इसको 2 sin θ/2 और cos θ/2 लिखना, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि लगभग ट्रिग्नोमेट्री मतलब जब आप इंटीग्रेशन करोगे और जहां भी ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करोगे, लगभग हर एक केस में यूज होने होने। अभी तो हम करेंगे खैर, लेकिन वहां पे तो स्पेशली यूज करना है इसको, तो बार बार लिखने के बजाय समझ लो, एक ही बार में आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एक और सिचुएशन आती है वो है यहाँ पे 1 + sin θ या 1 - sin θ के। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आप इसको क्या लिखोगे, cos θ/2 + sin θ/2² और इसको क्या लिखोगे, cos θ/2 - sin θ/2² तो ये कुछ कंडीशंस है। अभी तो फिलहाल हम इन 3 कंडीशंस की बात कर रहे हैं और कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। आई होप आपको cos थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा इन सब के फॉर्मूले याद होंगे। नहीं है तो चलो वो भी एक बार लिखवाई देता हूं मैं फिलहाल। तो कुछ और फॉर्मूले, जैसे cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे, ठीक है। पहला कौन सा था, पहला था यहाँ पे 2 cos²θ - 1 या 1 - 2 sin²θ, ठीक है, ये 2 फॉर्मूले इसमें। और तीसरा फॉर्मूला था इसमें 1 - tan²θ / 1 + tan²θ, ठीक है। वैसे चौथा फॉर्मूला भी था, इफ यू रिमेम्बर, cos का ही cos²θ - sin²θ करके, ठीक है। ऐसे यहाँ पे sin²θ का ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं। यहाँ पे एक और देख लो फॉर्मूला, 2 tan θ / 1 + tan²θ, ओके। तो ये sin²θ का फॉर्मूला है, और tan²θ का जो फॉर्मूला था वो था 2 tan θ / 1 - tan²θ, इन दोनों में प्लस माइनस का अंतर आता है। तो यानी कि आप अगर ये सब भी पढ़ लोगे तो इन्हीं पे बेस आपकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। ये सारे फॉर्मूले वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, अब आपको यहां पे एनालॉजी देखना है कि ये जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, ठीक है ना, अब इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आप डायरेक्ट मत करने जाना वरना होगा ही नहीं, हो भी जाएगा तो वैसा हो जाएगा लेकिन बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, काफी आपको लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारे इसमें अल्जेब्रिकल आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी, शायद हो सके तब भी आप रिजल्ट ना निकाल पाओ जो प्रॉपर आना चाहिए। अगर आपको बस थोड़ा सा अगर पता है जानकारी ट्रिग्नोमेट्री की तो यूज कीजिए और आसानी से सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करो। दो ये सिचुएशन अभी जस्ट हाल ही में लिखवाई थी, यहाँ पे हमें क्या करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहला रूल समझ लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो, तो ये जो इनवर्स वाला फंक्शन है इसको हटाना है, क्या करना है इसको रिमूव करना है, हटा देना है रास्ते से इसको, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, मैंने बताया था जहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे वहां क्या करना है tan थीटा पुट कर देना, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो tan थीटा पुट कर दो, बस सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, तो वाई हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला है अभी जस्ट वीडियो को रिवाइंड कर लो चाहो तो पीछे देखो जाके, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, इसका ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, ठीक है, और साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचा, ओनली 2 थीटा बचेगा। अब थीटा को आप क्या करोगे, यहां से बैक सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी कि इफ यू सी थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स सी हो जाएगा कि नहीं, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसका आपको डेरिवेटिव बखूबी पता है क्या होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर चुके हो इसे, अब सीधे आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। तो यानी कि y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे एंड में, ठीक है। चलिए काफी दिलचस्प क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टेड चैप्टर भी है वैसे ये, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो रियली में आप असली डिफरेंशिएशन को फील करोगे कि इसको कैसे सॉल्व करना, और आपको मजा आने लगेगा इसको सॉल्व करते करते। एक बार जब क्वेश्चन आप इसकी आदत लग गई ना, लत लग गई, तो इसकी लत सारे लतों से बहुत बुरी लत है, ठीक है, और ये लत बुरी होना भी बहुत फायदेमंद है, बल्कि फायदेमंदी एक तरह से है कि नहीं, पूरा कैलकुलस करिए 35 मार्क्स का आ रहा है भाई, है ना, कम नहीं होता है, और लगभग पूरी कैलकुलस इसी के ऊपर बेस्ड है, फिर चैप्टर बेस होता है, सोल होता है पूरी कैलकुलस का, ओके सो डोंट मिस इट, और अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैं तो कह रहा हूं तो एनसीईआरटी बस एक बेस है, पहले बता दूं मैं एनसीईआरटी एक बेस है, हालांकि आते एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चन है, लेकिन एक बार ध्यान रखना एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर बनाना है, आरडी शर्मा हो गई, ठीक है, या आरएस अग्रवाल है, व्हाटएवर यू हैव एनी काइंड ऑफ बुक, कोई सी भी बुक हो, ऑनलाइन रिसोर्स हो, ऑनलाइन है चाहे कैसा भी रिसोर्स हो, कहीं से भी मल्टीमीडिया रिसोर्स हो आपके पास चाहे, यूज दैट, ठीक है, जस्ट डू द प्रैक्टिस एज पॉसिबल एज क्वेश्चंस, ओके। चलो एक और क्वेश्चन है इसमें, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए कुछ चीजें आपको बखूबी पता होनी चाहिए, जैसे tan 3 थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला इसको याद है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस
थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। अगर आप देखोगे ये और जो टेन इनवर्स के अंदर जो हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक तरह से फंक्शन दे रखा है, मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है जो, ठीक है, वो इसी की तरह ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब भी आप डेरिवेटिव करो सबसे पहले आपको क्या करना है, जस्ट थिंक हाउ टू रिमूव सच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इस इनवर्स फंक्शन को हम कैसे हटाएं, ठीक है, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जस्ट क्या करोगे, पुट कर दो यहाँ पे x को tan थीटा, जब आप x को tan थीटा पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना, और दिस इज व्हाट ब्लडी tan 3 थीटा के बराबर ही है। ठीक है, सो दैट इज tan इनवर्स tan 3 थीटा हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा और y कितना आ जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। सो व्हाट इज y, y इज इक्वल टू 3 थीटा को आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दोगे किससे, tan इनवर्स x से, ये tan इनवर्स x ही तो हो जाएगा, सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, शॉर्ट इट। तो इस तरीके से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलिए, और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 11 है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, d by dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगेन आप देखो नीचे क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की सिचुएशन आ रही है, तो क्या करोगे यहाँ पे, x को tan थीटा पुट कर दोगे, वैसे ही cos थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें tan आता है, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जो भी मैंने अभी इस वीडियो लेक्चर में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो अभी मैंने फॉर्मूले बताए आपको ट्रिग्नोमेट्री के, आप उन्हें याद कर लो, उन्हीं से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ एक दो और होंगे, ज्यादा नहीं याद करना, बाकी फिर एडवांस लेवल जब बढ़ोगे कैलकुलस में आगे जब इंटीग्रेशन करोगे तब उसमें और फॉर्मूले होंगे, तब वहां पे तब की तब देखेंगे, अभी फिलहाल यही से काम हो जाएगा। तो वाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, तो ये क्या है हमारे पास, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, सो दैट इज cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स कट जाएगा, तो y क्या आ गया यहाँ पे, 2 थीटा आ गया, और थीटा को आप क्या करोगे, अगेन tan इनवर्स से कर दोगे, यानी थीटा की जगह क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सो dy / dx, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तो सेम फंक्शन है बट यहां पे साइन इनवर्स दे रखा है, पुट आपको वही करना है, टेन थीटा ही पुट करना है इसमें, तो क्या करोगे आप, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, जो आप tan थीटा पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये y की वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, तो ये तो हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो यहां पे sin इनवर्स और cos नहीं कट रहा, तो क्या करोगे, आपके पास दो रास्ते हैं, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2 था, अगर नहीं आती है तो टेंथ वाली यूज कर लो यार, क्या जाता है ना, तो दैट इज साइन इनवर्स, याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा,
वही यहाँ पे यूज करना है. सो दैट इज साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. ओके दैट इज व्हाट कॉस 2 थीटा. तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो y क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. ओके सो दिस इज व्हाट पाई अपॉन में 2 माइनस 2 थीटा को आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दो यार एक आंसर आ गया पक्का में. ठीक है ना ये बार बार टैन इनवर्स आ रहा है ना. चलिए डिफरेंशिएट कर लो अपना क्या जा रहा है अपने को आंसर निकालना है बस. सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0. पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 लिख दो. और 2 टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज द आंसर गाइस माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके सो दिस इज व्हाट वी हैव डन द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 13 क्वेश्चन. This is another one question and fortunately or unfortunately again we have to put bloody tan theta. Now put x को tan theta put कर देंगे तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे cos inverse 2 tan theta y 1 plus tan square theta. But guys this is sine 2 theta. ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है. साइन 2 थीटा क्या था 2 टैन थीटा बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. सो वाई क्या आ जाएगा यहाँ पे दैट इज कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा. अब क्या करोगे आपके पास दो रास्ते हैं. अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 उसको यूज कर सकते हो. पर नहीं यार टैन वाले इसको लो अपन का क्या आंसर निकालना है. ठीक है सो कॉस इनवर्स साइन सॉरी कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला. अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल तो वाई क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा. अब थीटा को वापिस वापिस पुट कर दोगे टेन इनवर्स एक्स की जगह. सो पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा. सो नाउ जस्ट डू द डिफरेंशिएशन. सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा पाई बाई 2 का डेरिवेटिव अंडा 0. ठीक है और माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स बॉयज एंड गर्ल्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 14 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अलग यहां तो 15 भी कर लेंगे हम. ठीक है तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1. ओके ये दो लास्ट क्वेश्चन है. ओके इस एक्सरसाइज के तो नाउ क्या करेंगे इस केस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ रहा है. क्या बताया था इस केस में जहां भी इस तरीके की सिचुएशन दिख जाए तो आंख बंद करो और साइन थीटा को याद करो. ठीक है तो क्या करेंगे हम पुट एक्स को साइन थीटा पुट कर दो. ठीक है तो वाई क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो क्या आ जाएगा दैट इज साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है. रूट ओवर है तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा है ना cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा. और अंडर रूट की वजह से जो अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा. अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा cos थीटा हो जाएगा. और 2 sin थीटा * cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा के बराबर होता है. कट जाएगा ये सो क्या बचा ओनली 2 थीटा. थीटा को आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दो किससे sin इनवर्स x से. So what is dy by dx that is 2 by sin inverse का derivative 1 minus x square.
कोई डाउट है का? होना तो नहीं चाहिए है ना, अगर है तो रिवाइंड कर लेना यार, ठीक है, इतनी ज़हमत कर लेना। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ इसमें हमें क्या दे रखा है, 2x² - 1 दे रखा है। अब करें कैसे सॉल्व इसको, लगे आप इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 2cos²θ - 1 क्या था, cos²θ था ना, अरे 2cos²θ - 1 इज इक्वल टू cos²θ, तो यानी कि आप यहाँ पे x को क्या पुट करोगे, cos θ पुट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन यानी कि 2cos²θ - 1 हो जाएगा, और 2cos²θ - 1 क्या आता है, दैट इज cos²θ के बराबर है, ये फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और 1/cos क्या हो जाएगा, sec²θ हो जाएगा, sec इनवर्स कैंसिल, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सो थीटा की जगह आप क्या करोगे, cos इनवर्स x, फाइनली कुछ तो अलग मिला, अच्छा यहां भी अलग मिला था ना, तो आप यहां पे डिफरेंशिएट कर दो dy/dx, तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -2/1 - x² होता है, ओके -1/√1 - x² होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गई है, कवर अप हो गई है। सो ये लेक्चर यहीं तक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।